का नाम कैसे गुजरा गाइज गुड मॉर्निंग। तो अभी हम हैं चित्रकूट यूपी में, तो यहाँ पे जितने भी राम घाट वगैरह जो भी चीज़ें हैं तो यहाँ भी सारी घूमेंगे। मॉर्निंग हो चुके, सुबह के बज चुके हैं 9:30 और सामान वगैरह हमने सारा चेकअप कर लिया है रूम से और डाल दिया है सामान वगैरह, तो अभी निकलेंगे। तो मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर, और जो जो भी चीज़ें हैं वो ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और होटल का यहाँ पे आपको बताएंगे तो काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा होटल, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे काफ़ी होटल है, तो ट्राई करके आपको 1000-1200 रुपये में आराम से मतलब सस्ते मिल जाएगा, और खाना वगैरह भी पास में अच्छा ही है सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो चलते हैं अभी। अभी ये सारी जगह है घूमने की, तो जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ वहाँ हम जाएंगे जो नियर बाई है। ये तो फूड प्लाजा यहाँ से सीधा रामघाट की तरफ, नहीं इधर ही होगा ना, वो उस पार जाना पड़ेगा, कैसे है आगे जाके देखते हैं। अभी तभी राम घाट पहुंच चुके हैं, सामने देख सकते हैं। कभी कभी भगवान ने मतलब इसी से बैठ के जाना पड़ेगा, इसमें आपका 4 घाट का दर्शन होगा, 6 मंदिर का दर्शन होगा और 2 किलोमीटर का बोटिंग होगा। गाड़ी आपका सेफ्टी खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। जब सारा घुमा के लाएगा तब 1250 रुपये टोटल एक होड़का का लेगा, जिसमें से आपका अपना फैमिली न किसी को बेसाएगा न किसी का वेट करेगा। मंदिर के अंदर जाएंगे आप लोग, मंदिर के लिए होली रोकेगा, मंदिर का जानकारी गाइड करेगा, आपको जो भी टाइम लगेगा तो तब मेरा खड़ा रहेगा। सारा घुमा कम्प्लीटली यहाँ छोड़ेगा, पैसे आप मेरे को बाद में देना भाई, जब घूम के यहाँ उधर जाना, मैंने अभी आपसे एक पैसे नहीं ना लिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, जितना समय जहाँ आपको लगना है लगाइए। कौन सा है आपका, ये वाला है? तो गाइस अभी वोट में हम आ चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे वोट में। देख सकते हैं कितने खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, और ये छोटे छोटे देख सकते हैं आप खरगोश कितने प्यारे से हैं। वाव क्या खूबसूरत नजारा है भाई साहब, क्या बात है। आ जाओ जूते उतार लो। आराम से अच्छा 60 किलोमीटर का नदी है ये, और अच्छा तो ये राम घाट है, यहीं से स्टार्ट होता है ना, क्या क्या बोलते थे, यही ना प्रॉपर राम घाट और आगे से है। और अभी हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, पहले आप स्नान करेंगे, पहले स्नान करेंगे फिर मंदिर जाएंगे। ओके ओके बनाना। तो गाइस अभी ले रहे हैं बोटिंग का मजा, और काफी खूबसूरत इन्होंने ये पूरी अपनी जो बोट है वो बनाई हुई है, और सारी हैंडमेड है। और ये आप नीचे देख सकते हैं पानी, पानी का मजा, वाह नाइस। तो सबसे पहले हम जाके नहाएंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर, और भी क्या क्या चीजें हुई है वो पूछ के बताएंगे आपको, क्योंकि इतना आइडिया मुझे भी नहीं है। जहाँ जो राम जी जब भर से मिलने आएंगे वहीं भी जाएंगे हम, वहाँ नदी पार की थी, क्या किया था वो। देख रहे हैं ये व्हाइट बिल्डिंग जो है,
इस जगह में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पूजनीय पिता दशरथ जी को पिंड तर्पण किया था। जैसे आप लोग बहुत सी जगह दर्शन करने घूमने जाते हैं, गए भी हैं, वहाँ पे आपको भगवान श्री राम की खड़ी मूर्तियों का दर्शन होता है, परंतु इस जगह में भगवान रामचंद्र जी की बैठी मूर्ति से, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने अपने पूजनीय पिता को पिंड तर्पण करने के लिए बैठ के सभा दरबार लगाया। और कंदमूल नाम का एक फल होता है जो जंगलों में ही पाया जाता है, तो उसको बैठ करके खाया था। और राधा कृष्ण मंदिर से, बे मंदिर से और आघाट राघवप्रयाग घाट से, जहाँ भगवान रामचंद्र ने 11.5 वर्ष स्नान किया और अपने पिता को पिंड तर्पण किया। ऐसे और हाथ से ऐसे कर दो या दूर जाएगा सेवार, ऐसे हाथ से कर दो दूर चला जाएगा। बस यही से यहाँ, फिर इसके बाद उधर मंदिर आएगा तो वहाँ बोलते हैं, इसको बनाते हैं। तो ये भगवान राम ने जब नदी पार की तो वो कहाँ से की थी, मतलब ये इधर कहाँ? चित्रकूट में भी बोला जाता है। अच्छा। चित्रकूट में भी लोगों का मानना है कि प्रभु श्री राम ने वनवास काल में जब 11.5 वर्ष चित्रकूट में वनवास किया तो चित्रकूट में ही गंगा पार किया। अच्छा। परंतु यहाँ गंगा तो है नहीं, नदी है ये मंदाकिनी नदी। तो कुछ लोगों का मानना है कि श्रृंगवेरपुर में भगवान श्री राम केवट की नाव में चढ़े थे। अच्छा, ओके। श्रृंगवेरपुर राम चढ़े रघुवैया, और हमारे पूर्वजों ने भगवान श्री राम को नाव में बैठा के गंगा पार किया था। हम लोग भी उसी केवट समाज से निषाद राज हैं, इसीलिए अपनी नाव को, अपनी होड़का को इतना व्यस्त सजाते बनाते हैं। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की। गाइस यहाँ पे दर्शन करने के लिए तो ये है मंदिर एक, और एक उस साइड है, तो ये फिर चलेंगे दूसरी साइड। अभी जा रहे हैं गाइस दूसरे मंदिर में, इस पे दर्शन करेंगे और फिर सीधा निकलेंगे। तो गाइस अभी ये जो जगह देख सकते हैं, तो जो श्री राम जी, कहा जाता है कि 11.5 वर्ष इसी घाट में रहे हैं और यहीं नहाए हैं, तो इसी नाम से ये राम घाट जाना जाता है। अच्छा, हाँ हाँ, तुलसीदास बाबा का। ओके, ये राम मंदिर तो ये शायद भरत मिलाप कुछ ऐसा, ये भरत यात्रा है। पहले उधर चलते हैं ना, मैंने प्रसाद वगैरह ले लिया है और अभी सीढ़ियां चढ़ेंगे ऊपर। यह है भरत मिलाप मंदिर। ये है तुलसीदास जी, ये आप पोज करके पढ़ सकते हैं इधर। योगी जी मिल रहे ना दिव्य जीवनदास महाराज, है ना, दिव्य जीवनदास महाराज जी। ये वनवासी राम का मंदिर है। ओके। वनवास भेष में जिस तरह भगवान राम की तीनों माताओं ने भगवान को अयोध्या से चित्रकूट के लिए विदा किया था, तापस वेश विशेष उपवासी 14 वर्ष राम वनवासी, पीले वस्त्र में जटाजूट के साथ भगवान श्री राम की 6-6 फुट की मूर्तियां जानकी घाट, माता केकई, माता सुमित्रा, माता कौशल्या ने भगवान को जैसे विदा किया वैसे ही तीनों माताओं के द्वारा भगवान राम वनवास भोगने आए थे। तो इसी भेष में भगवान श्री राम चित्रकूट में 11.5 वर्ष वनवास किया था, इसलिए एकमात्र मंदिर बचा है जो आज की डेट में वनवास भेष में दर्शन होता है। ओके। जय हनुमान, जय हनुमान गाइस, जय हनुमान। तो मूर्ति देख सकते हैं आप, पूरा हनुमान चालीसा भी लिखा हुआ है।
श्री राम जानकी मंदिर। मतलब पहले दिन से इधर से ही हुआ था ना शुरुआत। तो गाइस अभी लंच वगैरह हमने कर लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं हनुमान धारा। तो आप ये सामने देख सकते हैं, अभी हम एंटर कर चुके हैं एमपी मध्य प्रदेश, तो ये वहां पे पड़ता है हनुमान धारा। तो चलिए वहां लेके चलते हैं आपको और कुछ दर्शन करवाते हैं और खुद भी करते हैं, तो व्लॉग में बने रहिएगा। अभी गाइस यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो अभी एयरलिफ्ट की टिकट वगैरह लेते हैं और फिर निकलेंगे। और ये आप देख सकते हैं ऊपर, अब यहीं पे टिकट वगैरह लेंगे और ज़्यादातर तो लड्डू वगैरह चढ़ाते हैं, तो हमें लड्डू वगैरह ले लिए हैं। ये है टिकट काउंटर और यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकट प्राइस वगैरह। और टिकट वगैरह लेके हम आ चुके हैं, तो ये आप देख सकते हैं इस पे बैठेंगे। तो गाइस अभी वहां पे हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा ही डिस्टेंस बचा है इधर, तो अब देख सकते हैं इधर बहुत है। तो गाइस देख सकते हैं आप हमारी लास्ट वीडियो। बाद में निकाल लेना फोन से। नहीं जो कुछ जाने के थे यहाँ पे सीता जी की रसोई। हमारा नाम अंकित, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली। दिल्ली से आके बाबू ने सब परिवार से 50 रुपए दिया भंडारे के। भंडारा अरे बाबू नहीं क्या हूँ या आराम से आइए भाई। नकली बंदे सारे नकली हैं, नकली नकली हैं सारे। सीता रसोई प्रवेश द्वार।
ये है सीता रसोई प्रवेश द्वार, तो यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं। नाम है सिद्धू। ये हनुमान धारा के ऊपर से व्यू सामने आप देख सकते हैं, यूपी और एमपी। अभी जा रहे हैं हम वापस, क्योंकि अभी हनुमान धारा के दर्शन वगैरह कर लिए हैं, तो अभी जो नेक्स्ट प्लान है तो अभी देखते हैं किधर जाना है। तो चलिए चलते हैं, और टाइम हो चुका है 3 बज चुके हैं पूरे, और अपनी एयरलिफ्ट से जाएंगे हम नीचे भी। तो अभी गाइस नीचे जा रहे हैं हम वापस, देख सकते हैं काफ़ी डिस्टेंस है वैसे, और पैदल रास्ता भी है, गाड़ी में भी आ सकते हैं। और ये अभी गाइस हनुमान धारा से निकल चुके हैं और अभी निकल रहे हैं बनारस के लिए, तो चलो चलते हैं। So, अभी गाइस वाराणसी हम पहुंच चुके हैं और रूम वगैरह हमने ले लिए हैं। तो अभी जो है वो आज का जो व्लॉग है वो आपको अच्छा लगा होगा, और काफ़ी शायद ज़्यादा भी हो गया होगा, पता नहीं, अब एडिटिंग करके पता चलेगा कि कितना बड़ा है। तो अभी हम वाराणसी में होटल ले लिया है, तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करें कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये सामने का व्यू आप देख सकते हैं, तो जो भी कल जाएंगे काशी, जो भी होगा वो आपको सब बताया जाएगा। तो